सो गाइस, ऐसा हो सकता है कि आप सभी लोगों ने ये वाला एपिसोड टीवी पर हिंदी में देखा हो। बट गाइस, ये जो मैं जो एपिसोड सुनाने जा रहा हूँ, इसकी जो स्टोरी है वो उस वाले एपिसोड से डिफरेंट है। तो ये मत समझ के बैठ जाना कि ये वही एपिसोड है और ये तो हिंदी में आ चुका है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज। सो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल सर होते हैं वो हम सभी लोगों को दिखाए जाते हैं, एंड वो हम सभी लोगों से कहते हैं कि क्या आप सभी लोगों ने द हॉरर हॉलोवीन मेलन के बारे में सुना है। हाँ, मैंने आपको पहले भी एक हॉरर मेलन के बारे में बताया था, एंड इस बारी भी मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि एक वाटर मेलन से ही रिलेटेड है। और माना जाता है कि जो हॉलोवीन होता है उस दिन अगर किसी के पास तरबूज आ जाए और वो पैसे बचाने के चक्कर में पम्पकिन की जगह तरबूज की शेप को काट दे और अपने घर के बाहर लगा दे, तो वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं होता, वो तरबूज ज़िंदा हो जाता है। एंड गाइस, इसी के साथ में हमारा जो एपिसोड होता है वो स्टार्ट हो जाता है और हम सभी लोगों को सिंचन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर चार डब्बों के अंदर चार तरबूज रखे हुए थे। एंड देन मिट्सी कहती है कि पता नहीं क्यों मेरी फ्रेंड जो न्यूयॉर्क में रहती है उसके यहाँ तो अभी समर्स चल रहे हैं, बट हमारे यहाँ तो विंटर है। आज ऊपर से हॉलोवीन भी है तो कितनी ठंड भी है, और उसने वाटरमेलन भेज दिया है। इस वाटरमेलन का मैं क्या करूँ। एंड गाइस, देन उसके बाद जो मिट्सी होती है वो कहती है हाँ एक काम है जिससे दो एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे, कि मैं जो ये जो वाटरमेलन है इनमें से एक को घर के बाहर काट के रख देती हूँ जिससे कि पम्पकिन के पैसे भी बच जाएंगे और साथ साथ ये हमारा वाटरमेलन भी यूज़ हो जाएगा। ये तो एक तीर से दो दो निशाने हैं। एंड देन गाइस, उसके बाद जो सिंचैन होता है वो भी कुछ सोचने में लगा हुआ होता है, और देन वो कहता है मॉम मैं भी अपने फ्रेंड्स को बुला लूँगा और उनको अच्छी अच्छी चीज़ें स्टार्टिंग में खिलाकर थोड़ी थोड़ी सी, और उनको एक तरबूज खिला दूँगा। एंड गाइस, देन उसके बाद मिट्सी होती है, एंड देन गाइस जो मिट्सी होती है वो सिंचैन से कहती है वाह बेटा, तुमने पहली बारी कोई अकलमंदी का काम बताया है, बहुत सही ट्रिक है ये। एंड देन गाइस, हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि गाइस शाम हो जाती है, एंड गाइस जो मिट्सी होती है वो अपने फ्रेंड के घर चली जाती है। एंड गाइस, देन जो हिरोशी होता है वो कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड ऐसे तो तरबूज को नहीं खाएंगे, हम सभी लोगों को उनको बहुत सारा खाना खिलाकर एहसान फरामोश करना होगा ताकि उनको ज़बरदस्ती वाटरमेलन खाना पड़े। एंड देन गाइस, सिंचैन के फ्रेंड्स आ जाते हैं एंड वो बहुत सारा खाना उनके सामने रख देते हैं। एंड गाइस, इसीलिए वो लोग एहसान फरामोश हो जाते हैं। एंड देन गाइस, उसके बाद जो हिरोशी होता है वो सिंचैन को एक जूस देता है और कहता है ये सब के अंदर बांट दो। एंड गाइस, देन वो मसाओ को सबसे पहले जूस देता है, एंड जब मसाओ पी लेता है तो उसे जूस काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है एंड वो और मांगता है, एंड सिंचैन उसे और जूस दे देता है। एंड गाइस, देन वो बो को देता है, एंड बो के बाद वो कजामा को भी जूस देता है। एंड देन कजामा बहाना बनाता है कि मेरे को सस्ता जूस पसंद नहीं, एंड देन वो बहुत महंगा जूस लाता है एंड उसे वो देता है। एंड गाइस, फिर बहुत ज़्यादा रात हो चुकी होती है पर अब भी उसके फ्रेंड्स का उसके घर जाने का मन नहीं था, सो अब हिरोशी समझ जाता है कि अब तरबूज लाने का टाइम हो चुका है, तो वो तरबूज को काटने लग जाता है। एंड जैसा उनको एक तरबूज को बाहर रखना था पम्पकिन की तरह एज हॉलोवीन बनाने के लिए, वो उसे रख देता है। एंड उस तरबूज को देखकर जो शीरो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है। एंड गाइस, देन जो हिरोशी होता है वो घर के अंदर आ जाता है और उन सभी लोगों को तरबूज दे देता है।
एंड एहसान फरामोश वो लोग तरबूज खाने लग जाते हैं एंड उनको थोड़ा सा हॉलोवीन की एसेंस देने के लिए हिरोशी कहता है, अब मैं तुमको एक स्टोरी सुनाऊंगा जो कि एक हॉरर तरबूज की है। एंड गाइस देन जो मसाओ होता है वो हॉरर तरबूज के नाम से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वैसे ही उसके सामने तरबूज था। एंड गाइस देन हिरोशी अपनी कहानी को स्टार्ट करता है और वो स्टार्टिंग में कहता है कि ये कहानी कुछ ऐसे दोस्तों की है जो पार्टी बना रहे थे एंड पार्टी बनाते बनाते उनको एक तरबूज ने अटैक किया एंड वो लोग हॉलोवीन की रात को ये पार्टी कर रहे थे। उन सभी लोगों के पास पम्पकिन खरीदने के पैसे नहीं थे, उन लोगों ने एक सस्ता तरबूज लिया एंड उसको पम्पकिन की तरह काट के बाहर रख दिया। एंड देन जब वो पार्टी कर रहे थे और वो हॉरर स्टोरीज डिस्कस करना शुरू कर देते हैं एंड तभी लाइट चली जाती है एंड उस फ्रेंड्स के ग्रुप के सबसे इंटेलिजेंट पर्सन के कोई पीछे टच करता है एंड उसके टच करते ही वो जैसे ही पीछे देखता है तो वहाँ पे एक वही तरबूज होता है जो उन्होंने बाहर रखा था। एंड जब वो उससे बचने के लिए बाहर भागते हैं तो बाहर बहुत सारे तरबूज उनके लिए खड़े हुए होते हैं। एंड गाइस हिरोशी की स्टोरी ख़त्म होते ही जो लाइट होती है वो असलियत में उनकी चली जाती है जस्ट एज द स्टोरी। एंड देन जो हिरोशी होता है वो हॉरर मेलन कहते हुए किसी जॉम्बी की तरह वहाँ से चला जाता है। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि आखिर ये लाइट क्यों चली गई, बट उन्होंने हिरोशी के मुंह से हॉरर मेलन नहीं सुना था। एंड गाइस इवन जो बो होता है वो भी डर जाता है, जो बहुत कम मौकों पर ही डरता है। एंड देन उन सभी लोगों को कोई ऊपर से कहता है मैं हूँ एक हॉरर मेलन। एंड देन गाइस जैसा स्टोरी में था सबसे इंटेलिजेंट पर्सन यानी कजामा को वो तरबूज पीसे से टच करता है, बट इससे पहले कजामा उसे देख सके लाइट्स वापस आ जाती है एंड मसाओ काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है एंड कजामा की जान में जान आती है। एंड गाइस देन जो हिरोशी होता है वो किचन में से अंदर आता है एंड वो उन सभी लोगों से कहता है सिंचैन अब तुम्हारे दोस्तों को तरबूज खाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें बाहर फेंक दिया है। एंड देन सभी लोग ये सब कुछ उनके काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं एंड वो कहते हैं हमने अभी अभी तो वो तरबूज खाया। एंड देन जो हिरोशी होता है वो कहता है ऐसा कब हुआ। एंड देन वो सभी लोग कहते हैं आपने हमारे साथ बैठ के खाया था। एंड देन उसके बाद वो कहता है तुम लोग तो अभी अभी आए हो। एंड गाइस यहीं पे एपिसोड मिस्टीरियसली एंड हो